जो सच्चे दिल से बाबा को अपना अपनी खामी कमी कमजोरी सर्जन को सुनाते हैं। दूसरा, आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, बहुत दिनों के बाद ये बात आई। 8 घंटे का योग, 8 घंटे का योग होना चाहिए। तीसरा, फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। 4 बातों में निश्चय, कौन कौन सा? खुद के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ड्रामा ड्रामा पे निश्चय पर निश्चय, और और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। बा कई ब्राह्मणों में मान लो कोई कमी खामी दिखाई देती है, अब कपड़ा धोबी घाट में आया है तो एंड में ही साफ होगा ना, बीच में तो उसमें गंदगी रहेगी ना, एंड में ही साफ होगा ना। हम सोचे अभी इसमें ये क्यों खामी है, वो आया धोबी घाट में ना साफ होने के लिए, है ना। और फिर राजधानी स्थापन हो रही है, तो ब्राह्मण परिवार पर भी निश्चय। तो आज मीठे बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी खामियां निकालनी है, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ, तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे, बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? जो ईमानदार और सच्चे हैं। जो ईमानदार और सच्चे हैं। हाँ, बाबा ने कहा जो बच्चे बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता। इसलिए हमारे हम लोगों की जब ट्रेनिंग होती है ना, टीचर्स ट्रेनिंग, बताया भी दीदी ने पहले कि लास्ट में फिर हम लोग अपना पूरा हिस्ट्री, पूरी जीवन की हिस्ट्री पत्र रूप में लिख के देते हैं बाबा को। कई बहनों के तो 16 16 पेज होते हैं पूरी हिस्ट्री, जब से याद है सब कुछ दो। क्यों कहा जाता है ऐसा, लिख के देने के लिए, सुनाने के लिए? हाँ, निकल जाए। बाबा को दे दिया, अब वो पुरुषार्थ में अब वो याद नहीं आएगा, योग में याद नहीं आएगा, बाबा को सौंप दिया। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे ईमानदारी से सज्जन को अपनी बात सुनाते हैं, सच्चे बाबा उन्हें दृष्टि देता, बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए, अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए, बाप उन्हें करंट देता है। सुनाएंगे तो करंट मिलेगी ना, तो ताकत मिलेगी ना। इसलिए हम सोचे बाबा को तो सब मालूम है, यहाँ वो हिसाब नहीं, या सुनाना होता है, फिर बाबा उन्हें करंट देता है। अच्छा, ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। अब इंडिविजुअल हर एक ये सोचे बाबा सिर्फ मुझे मुरली सुना रहा है, ये नहीं कि उस व्यक्ति को यह होना चाहिए, उसके लिए ये पॉइंट्स था, या हम अभी सुन के फिर दूसरों को सुनाएंगे,
ये भी दादी जानकी कहते थे, ये भी परचिंतन है। मुरली सुनते समय यदि हम ये भाव रखते हैं, ये पॉइंट बड़ी अच्छी है दूसरों को सुनाने के लिए। दादी कहते थे ये भी परचिंतन है। नहीं तो बाबा पूछते हैं, अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक है। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, लक्ष्य तो बड़ा ऊंचा रखा है, देवी देवता बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो बाबा पूछते, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, अगर नहीं तो फिर क्या क्या खामियां हैं। हाँ, जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं और कोई कोई नहीं करते। वैसे ही जैसे आए थे उसी तरह से वो खामियां चल रही है, तो फिर उनकी स्थिति लास्ट में क्या होती है, क्या होती है, निराश वाली। इतने समय से तो चल रहे, मिला क्या। अरे आप पुरुषार्थ ही नहीं किया तो मिलेगा तभी ना, जब पुरुषार्थ करेंगे। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है कि अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको क्या बनना है, बाबा क्या बनाने आया है, लक्ष्मी नारायण, बाबा लक्ष्मी नारायण बनाने आया है परफेक्ट, है ना, परफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट ना हो, है ना, परफेक्ट बनाने आया है। था वो हीरा, बेदाग हीरा, अभी उस हीरे में 100 दाग लग गए, है ना। था वो हीरा ना, अभी उस हीरे में दाग लग गए, कई सारे दाग लग गए। अब बाबा फिर से हमें वैसा हीरा बनाने आया है। बाप आते ये परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं। वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं, या लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। कल भी था ना, कल की मुरली में भी था ना, युगलों के लिए, कि आप महामंडलेश्वर शंकराचार्य के सामने चैलेंज करते हो, सैंपल हो, शोकेश हो, बाबा कहते हैं ना। हाँ, तो सैंपल है, आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है। तो अब अपने से पूछो, अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें। और बाप को बतावे कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, अच्छे सर्जन होते हैं, होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ ऐसे भी है, एक बहन बता रही थी ग्वालियर में एक डॉक्टर के पास कंपाउंडर था, उस कई सालों से था, कंपाउंडर चला गया छोड़ के, उसने अपना शुरू कर दिया। अभी डॉक्टर उसके पास भीड़ कम होने लगी, कंपाउंडर के पास ज्यादा होने लगी, लोग ज्यादा, क्योंकि वो अनुभवी था। जो भी हो, तो इस तरह से तो बाबा भी आज कहते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, खामियां बताएं तब बाबा राय दे। बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं। अच्छा, अब कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। जो कोई को धारणा करा सके, मतलब वो उदाहरण मूरत नहीं बन सकते। बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती।
मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है, बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती, यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। और किसी स्कूल में है या किसी स्कूल में 5 विकारों को जीतना है किसी इंस्टीट्यूशंस में? नहीं, तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा के सामने वर्णन करेंगे तो बाबा युक्ति बताएंगे, बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं, तुम जानते हो यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है। अब रावण की प्रॉपर्टी हमारे अंदर होगी तो रावण छापा मारेगा ना, और सेना सहित आएगा। गवर्नमेंट का माल अपने पास रखो तो रेड पड़ती है ना। हाँ, अब उसकी प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो रेड पड़ेगी ना, भले आप उसको यूज में, एक होता है यूज कर लिया, एक होता है यूज नहीं कर रहे, तो भी तो पनिशमेंट तो मिलेगा ना, रखा ही क्यों? तो रावण की प्रॉपर्टी है तो पनिशमेंट तो मिलेगा ना, दुख तो हो गई ना। इसलिए बाबा कहते पूरी तरह से इस रावण की प्रॉपर्टी को हटाओ, बाप की प्रॉपर्टी को रखो। तो बाबा कहते भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं है ना, तुम जानते हो यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के। इसलिए शिव बाबा का एक नाम क्या है भूतों को निकालने के लिए? भूतनाथ। मथुरा वृंदावन है ना, वहां कृष्ण जन्मभूमि, उसी के बिल्कुल पास में भूतेश्वर मंदिर है शिव जी का। मैंने कहा यहाँ भूतों को निकाला फिर उसके बाद श्री कृष्ण जैसा बने। बनारस में भी है भूतनाथ जी का मंदिर। वाला बनारस में भी? अच्छा, देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बाप समझाते हैं भैरव जी का अपने, मंदिर है। इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। ये बाबा युक्ति बता रहा है भूत को निकालने की। भूत आता ही है दैहिक दृष्टि, दैहिक संबंध, दैहिक वृत्ति रखने से। तो फर्स्ट है अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं, यह भी जानते हो। हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं, सबको जाना है ना। आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो पार्ट क्या प्ले करेंगे? सबको वापस जाना है तो अपने को देखना है। आज बाबा काफी सारे चेकिंग के पॉइंट्स बता रहे हैं। अपने को देखना है कि सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है? तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं कि इनमें यह खामी है, तो उनको करंट देंगे, शक्ति देंगे, इस बच्चे का यह विघन निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते हैं फिर? सर्जन के सामने तो पूरी बीमारी बताना पड़े। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो, करते हैं ना। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो,
बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भाग जाएंगे। हाँ, कोई ना कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बता, बाबा हमको इनकी युक्ति बता, नहीं तो तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। यदि सर्जन को नहीं बताएंगे बीमारी तो बाबा कहते बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से फिर बाप को भी तरस पड़ेगा। बाबा भी अपने मन की बात बता रहे हैं। आप बच्चों आप हम बच्चे सुनाते ना बाबा को, तो बाबा अपने मन की फीलिंग बता रहे, तो फिर बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है। और कोई आया संसार में जिसने भूतों को भगाया? नहीं, एक ही बाप है। युक्ति से भगाते हैं, समझाया जाता है इन भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते। कोई में विशेष रहता, कोई में कम। कोई में क्रोध ज्यादा है, कोई में कम है। कोई में मोह ज्यादा है, कोई में कम है। परंतु है जरूर, बाबा देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना कि यह भूत है। यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण है, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है। इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। तो मतलब औरों को नहीं समझा पाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कौन सा भूत कहेंगे? डर का, फियर का, है ना? मतलब बहुत ज्यादा दैहिक अटैचमेंट है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस। शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं, शिव बाबा खुद सर्विस आए हैं, खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है ना। मतलब फिर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, दूसरों की सर्विस करते हैं लेकिन अपनी सर्विस की तरफ, अपनी सेल्फ प्रोग्रेस की तरफ ध्यान नहीं देते। कई फिर दूसरे के सर्विस की तरफ ध्यान नहीं देते, है ना? मतलब और सर्विस की तरफ बस अपना करते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों तरफ का होना चाहिए ना बैलेंस। तो ये बाबा समझा रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो कि झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघन डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं, निश्चय में कमी हो जाती है ना। इसलिए कहते ना, आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। मतलब करने क्या आए थे? अब यहाँ तो वैरायटी होते ना, क्या लक्ष्य लेके आए थे बाबा के घर? तो कई लोग काम कुछ लक्ष्य कुछ और लेके आते हैं, और करने कुछ और लगते हैं। व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत। अब ये बाबा पॉजिटिव रेफरेंस में कह रहे हैं। सन्यासी, कई ऐसे सन्यासी होते हैं उनको संसार से घृणा आती है तो एकदम गुप्त हो जाते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करते ना। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबर वार है, हर एक नंबर वार पुरुषार्थी है। अब हम ORC में देखते थे या मधुबन में देखते हैं, कितना बड़ा संगठन, हर एक का पुरुषार्थ, किसी का पुरुषार्थ ना मिले किसी से, हर एक नंबर वार है। लेकिन राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। अच्छा, वह भी बाप को सच बताए तो वह खामियां निकल सकती हैं और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई बच्चे सच ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं।
कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं, माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है। ऐसे भी तो इसलिए बीच बीच में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस ये होता रहता है। जो हमारी भट्टियां होती है, हम लोग मधुबन में भट्टी के लिए जाते हैं, या दीदी भी यहाँ पे भट्टी रखते हैं। क्यों रखते हैं ये भट्टी? जरूर कहीं ना कहीं सेल्फ चेकिंग के लिए ना, खुद को बूस्ट करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बाप जानते हैं कई बच्चे ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु समझते नहीं है। माया पकड़ लेती है, माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है, दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं, और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है, एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सत्युग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सत्युग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है, पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं, शिव के मंदिर तो बहुत है। बच्चे कहते हैं, बाबा सर्विस नहीं है। क्या सर्विस करे? होंगे कोई बच्चे, किसी ने कहा होगा बाबा को कि बाबा सर्विस नहीं है। अब बाबा ने क्या कहा होगा? बच्चे के सर्विस तो बहुत है। अरे शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो, वहां जाके तुम उनसे पूछ सकते हो कि इनको क्यों पूजते हो, इनकी पूजा क्यों करते हो। यह शरीरधारी तो है नहीं, यह है कौन? कहेंगे परमात्मा। इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं। तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना, उनको फिर खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है, या कुछ पता है? बाबा कहते ऐसे उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, पिता कहा तो अंडरस्टूड है, कुछ मिलेगा? तो कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, कैसे मिलती है, कब मिलती है, क्या पुरुषार्थ करने से मिलती है? तो ये बाबा कहते हैं उनसे पूछ सकते हो ना। पिता ही क्यों कहते, चाचा मामा काका क्यों नहीं कहते उसको, तुम मात पिता ना। अच्छा तो पूछ सकते हो। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं, तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। अभी बाबा एटिकेट्स बता रहे हैं, बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी, क्योंकि जब फील्ड में होते हैं तो कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना। सामने वाला कैसे बात कर रहा, लेकिन हमारा नेचर बहुत शीतलता वाला। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ा भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे यह बीके है। वैसे भी देखा जाए, अब वो समय आ गया है ब्रह्मा कुमारी के हिस्ट्री में, वर्तमान में अभी वो समय आ गया है जब ज्यादा सेवा में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, है ना? इजी है, लोग जानते हैं, बहुत मीडिया ने पहुंचा दिया है, बैकग्राउंड उनका तैयार है। जिनको निकलना है, जिनको बनना है, बैकग्राउंड तैयार है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ा भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे यह बीके है। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है, तो मंदिरों में जाकर
तुमको सर्विस करना बहुत सहज है। वहां तुमको देवता घराने के मिलेंगे, बाबा को या भीड़ थोड़ी ना चाहिए। हाँ, बाबा को अपने घर में भीड़ चाहिए क्या? बाबा को क्या चाहिए? बाबा को देवताएं चाहिए। बाबा देवता तैयार कर रहे, देवता बना रहे, वो पर्सनालिटी वाला। हाँ, डायमंड की शॉप पर और सब्जी मार्केट में, डायमंड की शॉप पर कितने लोग आते हैं? हाँ, डायमंड खरीदने के लिए कितने लोग आते हैं? और सब्जी मार्केट में सब जाते हैं, भीड़ लगी रहती है। तो वैसा हम बने, वो लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो शक्तिशाली बनने के लिए कितने लोग तैयार होंगे? कम ही लोग ना, सब लोग नहीं आ सकते, क्योंकि बाबा को तो भीड़ चाहिए ही नहीं ना। बाबा को तो देवता है चाहिए। सत्ययुग में तो फर्स्ट में तो और कम भी 9 लाख है, शुरुआत में तो 9 लाख चाहिए, फिर लास्ट में 33 करोड़ चाहिए, है ना? तो बाबा कहते हैं, तुम शिव की पूजा करते हो, पूछो उनसे, उनसे क्या मांगते हो, हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। अच्छा, पहला हो गया शिव के मंदिर में जाओ। दूसरे दिन फिर दूसरा मंदिर, बाबा का फेवरेट मंदिर, लक्ष्मी नारायण। फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गावड़ों में सर्विस करें। सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं, पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो, इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है, इन्होंने इतना ऊंच पद कैसे पाया। वो राधे के लिए भी कहते हैं ना, हे राधे, तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो श्री कृष्ण मिला, ऐसे कुछ कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, उनसे ये पूछो, आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है, तुम जाकर प्यार से समझाएंगे। तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। ये बाबा रोज रोज ये पॉइंट कहते हैं, अब जाना है, अब जाना है। रोज रोज कहने का भाव क्या है? प्रिपेयर करना, माइंड मेकअप करना, मेंटली तैयार करना। किसी को तुरंत बोला भी चलना है, और किसी को पहले से कहा हुआ है जाना है जाना है, तो तैयार रहता ना, झटका नहीं लगता, और तैयारी भी रखता है भाई जाना है। तो ये रोज रोज बाबा बोलता है, मतलब क्या? तैयार हो जाओ, हाँ करना ही है ना। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं, अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। तो सुनने से ही उनको कशिश होगी, जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना क्या होगा, तुम्हारे में कशिश होगी, मतलब तुम्हारे पास आएंगे, रूहानियत की कशिश, दैहिक नहीं, रूहानियत की कशिश होगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है, यह तो जानते हो। यह पुराना चोला छोड़ना है, इनमें क्या ममत्व रखना है, शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए, अंदर में यही तात रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। फिर यह भी दिल होती है, फिर यह भी दिल होती है, ऐसे बाप को कैसे छोड़े? ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा और घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, भले दिन में अपना धंधा आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। ये बाबा ने कभी कहा घर परिवार छोड़ो? कभी नहीं कहा। तो भी दुनिया में अफवाह फैली हुई है कि आ जाते हैं छुड़ा देते, मुरली में तो कभी नहीं आया घर बार छोड़ो।
तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह याद रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है ना, रहते हुए डिटैच ना। अभी हमको वापस अपने घर जाना है, बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में यह याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होने का है। अच्छा, पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। पहले का बाबा ने अपना पोता मेल बाबा को तो अपनी खामियां वो सब कुछ सुनाओ, चेकिंग करो सर्वगुण संपन्न बने या नहीं बने, ठीक है। फिर कहा बाबा ने, फिर कौन सा पॉइंट कहा बाबा ने, हाँ फिर सर्विस की बाबा ने पॉइंट बताई कि तुमको सर्विस करना है, शिव के मंदिरों में जाना है, लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाना है। हाँ बाबा ने कहा जो नहीं सुनाते हैं ज्ञान नहीं सुनाते हैं, मतलब कोई ना कोई अंदर में खामी है, और कोई सुनाते भी हैं लेकिन खुद की तरफ ध्यान नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है। फिर देही अभिमानी स्थिति। अब बाबा कहते जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए, बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा यह बाप से रू रिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। तरीका बाबा ने बताया, फॉर्मूला, याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो वो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, फिर कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय में बैठते कि हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे ना, कुछ नहीं चाहिए बस हम उसमें लीन हो जाए, ऐसे सन्यासी लोग बैठते हैं। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं, उनका अभ्यास होता है, हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु परंतु क्या कहा होगा, कोई ब्रह्म में लीन नहीं होते, परंतु वह सब है रॉन्ग रास्ते, है ना दीदी, बता दे ना, आत्मा अविनाशी है तो अविनाशी चीज डिसॉल्व हो सकती है क्या? मन बुद्धि अविनाशी है, मेरा मन मेरी बुद्धि किसी में डिसॉल्व हो सकता है? नहीं। तो फिर तो वो भगवत गीता में भी लिखा ना, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना अस्त्र काट सकता है। तो जब ये, हाँ जब ये, हाँ ये कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो फिर अजर अमर अविनाशी क्यों कहा? यदि मिल सकती है तो फिर ये भी कह दिया वो तो अजर अमर अविनाशी है आत्मा, दो बातें तो हो नहीं सकती ना। तो अब बाबा बताते हैं, परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर, ब्रह्म में कोई लीन होता नहीं है, बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीव घात होता है, जीव आत्मा तो इमोर्टल है, आत्मघात नहीं होता है, जीव घात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात फिर शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है, तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे कोई विचार नहीं आएगा।
योग वाले का तीर पूरा लगेगा, जो योग में रह के समझाएगा। बाबा कहते हैं योग वाले का तीर पूरा लगेगा, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु परंतु पहले अपने अंदर में देखना है, हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े सक्सेस हो सकते हैं, सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि बाप साथ में है, मतलब शिव बाबा साथ में, इसलिए ब्रह्मा बाबा हर जगह नहीं जा सकते। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जावे, किसके साथ बोले। बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है, इसलिए ब्रह्मा बाबा, बाबा के तन में शिव बाबा होते थे ना, तो बाबा नॉन बीकेस से नहीं मिलते थे, बहुत कम, बाबा बच्चों से ही मिलते थे। क्यों क्यों नहीं मिलते थे? अब सुप्रीम अथॉरिटी कोई डायरेक्शन दे, कोई मत दे, और नॉन बी के उसको इग्नोर कर दे, तो कितना बोझ चढ़ जाएगा सुप्रीम अथॉरिटी ने कहा। इसलिए बाबा बच्चों से मिलते थे, बी के बन जाते थे, फिर बाबा मिलते थे। तो बाबा कहते हैं बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है, सन शोज फादर, बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना, अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है, कहते हैं हम गांवड़ों में जाकर सर्विस करें। हम बाबा कहते हैं भल करो गांव में जाके, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो, चित्रों बिगर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है कि औरों के जीवन कैसे बनाएं, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पाए। बाबा कहते हैं ये ख्याल रखना है, औरों का जीवन कैसे बनाए और अपनी अंदर की खामियों को निकाल उन्नति को कैसे पाए। तुमको खुशी भी होती है, बाबा यह 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही फिर कई बच्चे सर्विस लायक बन जाते हैं ना, 8-9 मास के होते हुए भी सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है कि हम अपने गांव को उठाएं, अर्थात हम अपने हम जीन्स की सेवा करें, अपने लोगों को उठाएं। चैरिटी बिगेंस एट होम, सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहें। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है, तो नाम हो जाता है। बाबा कहते कोई ऐसे साधु संत वगैरह होते हैं है ना, तो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता। पवित्र सोल आ रही है परम धाम से, डायरेक्ट डायरेक्ट परम धाम से जो सोल आ रही है, या उसका एक ही जन्म हुआ है तो पवित्र है ना, वो तो नाम हो जाता है। या तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, यहाँ कौन बैठा, हाँ, या तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, कल्प पहले मिसल, यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। कितना बढ़ गया ये वृक्ष, रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। पहले मधुवन में सिर्फ एक पांडव भवन होता था, हाँ, हिस्ट्री हॉल में क्लास होती थी, फिर ओम शांति भवन में क्लास हुई है ना, जो ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, फिर सामने ओम शांति भवन बना, वहां क्लास हुई, और अभी तो देखो कितना बढ़ गया मधुबन। हर बार जब जाते हैं तब कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, नई बिल्डिंग बन चुकी होती है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो है ही है, बाकी बाबा के बच्चे, बिल्डिंग नई बन रही मतलब बच्चे बढ़ रहे हैं ना, तब तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा, निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती जाती हैं,
शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी ना। अर्थात समय, एक तरीके से कि झाड़ बढ़ रहा है, मतलब समय नजदीक आ रहा है, तो बाबा कहते हैं उन्नति जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को याद प्यार, प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। नमस्ते। बाबा, थैंक यू बाबा। वाह धारणा बाबा वाह। के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, कम से कम 8 घंटा कम से कम 8 घंटा बाप से रू रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। कम से कम 8 घंटा बाप से रू रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए, सर्विस में सक्सेस होने के लिए क्या करना है? अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। भूतों को रखा जाता है क्या? भूतों को तो भगाया ही जाता है, भूतों का कभी वेलकम नहीं होता, भगाया ही जाता है, कैसे भी करके चला जाए ये भूत। तो बाबा कहते हैं कोई भी अंदर में भूत ना हो। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है, यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। वरदान, अटल निश्चय द्वारा, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले, सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। डिटेल, निश्चय की निशानी है सहज विजय ना। निश्चिंत शब्द जुड़ा ही हुआ है निश्चय से, निश्चिंत शब्द जुड़ा है निश्चय से और निश्चय शब्द जुड़ा है विजय से ना। तो निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। हर सीन एक्यूरेट है क्योंकि भगवान को ये ड्रामा पसंद है, कल्याणकारी बाप को ये ड्रामा पसंद है। तो ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो, थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे, क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, वो मैंने शुरू में बताया था,
अब धोबी घाट में कोई कपड़ा आया है तो धोबी घाट में एंड में ही तो वो पूरा साफ होगा ना, बीच में कपड़ा तो गंदा ही है ना, तो जैसा कपड़ा है वैसे उसके संस्कार होंगे। अब हम उस तो एक पॉइंट तो ये, दूसरा ब्राह्मण परिवार में निश्चय मतलब ब्रह्मा के बच्चों में निश्चय, ब्राह्मण परिवार के जो मैनेजमेंट है उसमें निश्चय है ना। तो ये विश्वास, हर एक आत्मा अपना अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। तो इस तरह से तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ क्यों हुआ इन सब प्रश्नों में नहीं जाते ना। अच्छा स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय क्या करो, फौरन निर्णय कर फैसला करो। अच्छा अवैध फोर्थ पॉइंट, वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है। वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए क्या करो, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। अभी सेवा में सकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो। क्या कहा, बुद्धि को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी ना। बुद्धि को परिवर्तन कौन कर रहा है, बाबा की किरणें उस आत्मा की बुद्धि पर पड़ रही हैं और वो बुद्धि सतो प्रधान बनती जा रही है, क्योंकि उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है ना, इसलिए। अच्छा ओम शांति अनाउंसमेंट।